हल्द्वानी में अवैध निर्माण हटाने के चलते हुए दंगे को लेकर काशीपुर पुलिस ने गुरुवार रात शहर में फ्लैग मार्च निकाला। वहीं इस फ्लैग मार्च के बाद कोतवाल मनोज रतोड़ी ने नगर के सभी नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। इसी क्रम में हल्द्वानी के दंगों को देखते हुए काशीपुर के शहरी इमाम मुफ्ती मुनाजिर हुसैन कादरी ने भी शहरवासियों से शांति बनाए रखने की गुजारिश की। काशीपुर से संवाददाता अतुल तिवारी की रिपोर्ट। किसी भी प्रकार की अफवाह में ना आए, शांति व्यवस्था बनाए रखें और यदि कहीं पर कोई सूचना किसी को मिलती है तो तुरंत हमारे चौकी प्रभारियों को, निकटस्थ पुलिस स्टेशन को या हमारे सरकारी नंबर पर 112 पे आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन स्वयं खुद रिएक्ट न करें। पुलिस अपने काम में मुस्तैद है, प्रशासन मुस्तैद है, हमने पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था कर रखी है। यदि किसी भी प्रकार की किसी व्यक्ति ने खुराफात की तो बख्शा नहीं जाएगा, हम लोग कड़ा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करेंगे। आप लोग अपने आम जनजीवन के कार्य करिए, किसी भी प्रकार के अफवाहों में मत आइए, जो आपकी दैनिक दिनचर्या उसी के तहत आप काम करिए और शांति बनाए रखें। धन्यवाद। मैं तमाम ही काशीपुर की जनता से ये अनुरोध कर रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे काशीपुर की जनता जो अभी हल्द्वानी में भी मामला हुआ है कल, ये किसी भी अफवाह में ना आए बल्कि शांति बनाए रखें, सुकून अमन शांति के साथ में रहें, कानून का उल्लंघन ना करें, कानून को अपने हाथ में ना लें। प्रशासन अलाउट है एकदम सब तरफ और हमें उम्मीद है हुकूमत हिंद से और प्रशासन शासन से कोई भी हमारे साथ में गलत नहीं होगा, पूरी पूरी उम्मीद है। इसलिए मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश कर रहा हूं कि वो अमन शांति के साथ रहें और नौजवान बिलखसूस सुकून से रहें। पूरी तरह से निगरानी हो रही है शहर में, आसपास में, सब में, कोई गलत नहीं होगा, हमें पूरी पूरी उम्मीद है।